कृष्ण नाइक शिल्पकार वगैरह कुछ भी नहीं, इनका एक ही काम है, दूसरे ने जो काम किया तो कैंची मेरे हाथ में दे दो, उद्घाटन मैं करूंगा, फोटा मेरा आएगा। हर मतदार को मालूम है कि सत्ता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग बीजेपी ने किया, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट 5 साल में दिए हैं हर आदमी के पास से 5% पैसे इन्होंने लिए हैं। वैसे 5-6 सीट है जिसमें कई जगह हमारा और कांग्रेस का डिस्प्यूट है, एक दो जगह कांग्रेस का और राष्ट्रवादी का डिस्प्यूट है, एक दो जगह हम तीनों में डिस्प्यूट है। आप हमें 5 साल अगर रूल देंगे ना महापालिका का, तो नवी मुंबई का नाम नॉट ओनली इन हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में करके बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं शिवसेना के उपनेता, महाड़ा के चेयरमैन और पर्यावरण प्राधिकरण के अध्यक्ष विजय नाहटा साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में शिवसेना की आप भूमिका किस तरह से देख रहे हैं आने वाले चुनाव में? शिवसेना की भूमिका मुझे लग रहा कि बहुत प्रमुख भूमिका है। नंबर में अगर बात करें तो शिवसेना के पास आज करीबन 47-48 नगर सेवक है और मुझे लगता है चुनाव लगते लगते और 8-10 नगर सेवक उसमें बढ़ जाएंगे, पुराने नगर सेवक जो है हमारे माजी नगर सेवक। और शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये दोनों को लेके साथ में लेके चल रही है और सीटों का जो बंटवारा है उस मामले में काफ़ी हद तक चर्चा आगे बढ़ी है। हमारे जो वरिष्ठ नेता है तीनों पार्टी के और हम जो लोकल नेता है ये सब लोगों ने तय कर लिया है कि कौन सी जगह पे किसको चुनाव लड़ाना है, कौन सी पार्टी को चुनाव लड़ाना है। एक 5-6 जगह है जिसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लेकिन सीरियस टाइप का नहीं है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि शिवसेना और दोनों पार्टी जो है बैठ के उसके ऊपर निर्णय लेगी। और ये बात मुझे ऐसा लग रहा है जो माहौल दिख रहा महाराष्ट्र में जो माहौल है अभी ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन हुए जिसमें 70-80% जगह आघाड़ी के पार्टीज को मिली या तो स्थानिक को मिली, हार्डली 15-20% जगह बीजेपी को मिली। विधान परिषद का जो चुनाव हुआ पदवीधर का, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी और टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें बहुत बड़ा यश बहुत सालों के बाद आघाड़ी को मिला है। उसका ही रिपीटेशन नवी मुंबई में, संभाजीनगर में, मीरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली, जहां भी इलेक्शन है मुझे लगता होने वाला है। और नवी मुंबई में तो आपको पता है कि शिवसेना की ताकत बहुत बड़ी है और डे बाय डे बढ़ रही, रोज नया कोई ना कोई कारपोरेटर हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है ये आसान है। इस दौर में अगर देखें तो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक आ रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि शिवसेना और एनसीपी जो है इसका सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे नगर सेवकों को डरा धमका कर अपने साथ जोड़ रही है, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, रामाशीष यादव परसों हमारे पार्टी में आए, उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, उनको डरा धमका के लेके गए थे पुलिस कमिश्नर के पास और स्टेटमेंट देने को बोला था। जैसे वो दबाव निकल गया वो हमारे पार्टी में आ गया और उन्होंने बोल दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, मैं बाला साहब ठाकरे जी को मानता हूँ। आपको दूसरा मुझे बहुत उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं, हिंदुस्तान में आज हर आदमी को मालूम है, हर मतदार को मालूम है कि सत्ता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग बीजेपी ने किया। सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो, इनकम टैक्स हो, ज्यादा से ज्यादा इतना गंदा काम 1947 से जितने भी सरकारें बनी अलग अलग किसी ने नहीं किया और इसका दुरुपयोग करते हुए ये लोग सत्ता में रहे। लेकिन महाराष्ट्र में जैसी सत्ता बदल हो गया आपने देखा कि इनके जो इनको स्वेलो बोलते हैं, अपन सूझ बोलते हैं मराठी में, आई थी वो निकल रही और इसलिए उस पार्टी से लोग बाहर निकल रहे हैं। तो ये ओरिजिनल कोई बड़ी पार्टी नहीं है, हमारे पहले के जो भाजपा के चीफ मिनिस्टर उनके साथी थे उन्होंने पैसा और सत्ता का दुरुपयोग करके ही पार्टी बढ़ाई थी, लेकिन अभी वो श्रिंक हो रहा है। इस वक्त अगर देखें तो जैसे स्टेट में
महाअघाड़ी है, वैसे ही नई भाई मनपा चुनाव में आप लोगों ने महाअघाड़ी की तैयारी कर ली है और चुनाव लड़ने की तैयारी है। सर क्या सीटों को बंटवारों को लेकर किसी तरह का फाइनल कोई समझौता अभी हो गया है कि अभी इस पे होने वाला है? ऐसा पकड़ लीजिए कि सीटों का बंटवारा करीबन करीबन हुआ है। मैंने शुरू में बताया वैसे 5-6 सीट है जिसमें कई जगह हमारा और कांग्रेस का डिस्प्यूट है, एक दो जगह कांग्रेस का और राष्ट्रवादी का डिस्प्यूट है, एक दो जगह हम तीनों में डिस्प्यूट है, लेकिन ऐसी जगह 5-6-7 है। हम लोग उसमें भी बैठ के आपस में तय कर लेंगे कि किसने कौन सी सीट लड़ानी है और जरूरत पड़ी तो हम एक दूसरे को कैंडिडेट भी देने का हमारा तय हुआ है। समझो आपको सीट छोड़ दी कांग्रेस पार्टी को और हमारा कैंडिडेट अच्छा है तो हमारा कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से लड़ेगा। यहाँ तक समझौता हुआ। तीनों पार्टी का जो बिहेवियर है अभी तक का लोकल लीडरशिप का जो बिहेवियर है, कार्यकर्ता का जो बिहेवियर, वो ऐसा है कि एक ही पार्टी है। अच्छा, एक ही पार्टी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज जो देखने के लिए आ रही है कि बहुत सारे कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों के अगर आ रहे हैं, खासकर भाजपा के अगर आ रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे कि महानगर पालिका चुनाव में उतरेंगे, आपको नहीं लगता कि इससे उन लोगों को मौका उनका जा सकता है या इसको मेंटेन करने के लिए कोई अलग स्ट्रेटजी तैयार की गई है? नहीं, मैं आपका जो कहना है उसमें टू सम एक्सटेंट मैं आपसे एग्री हूँ, लेकिन एक दो जगह है। अच्छा, बाकी जगह आपने देखा होगा कि जहाँ हमारे पास या आघाड़ी के पास स्ट्रांग कैंडिडेट थे नहीं थे, स्ट्रांग कैंडिडेट इन द सेंस जो चुन के आने की ताकत रखते थे, ऐसे कैंडिडेट जहाँ हमारे पास नहीं थे वहीं पे हम लोगों ने बीजेपी से जो कैंडिडेट आए हैं उनको एंट्री दी है। अच्छा, ओके। और बाकी जगह आपने देखा होगा, आप एनालिसिस करिए पूरा, बाकी जगह उन लोगों को हम बोल रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग आने को तैयार हैं कि हमारे पास अगर कैंडिडेट नहीं रहा या आप अगर बेटर कैंडिडेट है तो आपको कैंडिडेटरशिप मिलेगी, अदरवाइज और जगह हम आपको एडजस्ट करेंगे। और हमारे लोगों को भी हम समझा रहे हैं कि सत्ता की राजनीति में, अब जैसे मेरी बात है, मुझे टिकट नहीं मिला ना, लेकिन मैंने बंडखोरी नहीं की ना, बिल्कुल हाँ। तो इसी तरीके से मैं उनको समझाता हूँ कि थोड़ा सब्र रखना, सत्ता आने के बाद कहीं ना कहीं आप लोग एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगर गौर करें तो दो विधानसभा क्षेत्र नवी मुंबई में है, बेलापुर में पहले से शिवसेना मजबूत थी, लेकिन अब जिस तरह के हालात दिख रहे हैं कि अगर पूरे अरवली विधानसभा क्षेत्र को देखा है तो इम्पोर्टेंट जितने वहाँ पर प्रभाग थे वहाँ पर शिवसेना का एक तरह से दबदबा भी कायम होने लगा है। ये मान के चला जाए कि आने वाले जो चुनाव हैं महानगर पालिका के बाद के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें शिवसेना दोनों सीटों पर अपना अपना वर्चस्व कायम कर सकती है? एक बात तो तय है कि बीजेपी के साथ जाके हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो और लोकल लेवल पे हो। आपको मैं याद दिलाता हूँ, लास्ट टाइम हम लोगों के 38 नगर सेवक चुन के आए, और हम बहुमत के लिए हमको कम सीट होना था, हम लोगों ने बीजेपी को 37 सीट दिए थे, उसमें से सिर्फ 6 सीट चुन के आए। तो वो गलती इसके बाद हमारे उद्धव साहब या हमारे पार्टी के लीडर नहीं करेंगे तो इसके बाद उनके साथ अलायंस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जिस तरीके से ये लोग गंदी राजनीति करते हैं, भले सत्ता मिले ना मिले, लेकिन ऐसे गंदी राजनीति करने वाले लोगों के साथ जाने के बजाय और किसी के साथ भी हम अलायंस करेंगे। सर एक अभी नारा आपने पहले दिया था कि महानगर पालिका में भगवा लाओ भ्रष्टाचार मिटाओ, ये नारा फिर आजकल नवी मुंबई में गूंजने लगा है। भगवा तो आएगा शर्मा जी, मैं बताता हूँ। और भ्रष्टाचार अभी लोग अनईजी क्यों हुए हैं, क्योंकि इनके पास एक ही संस्था बची है, इतने साल पावर में होने के बावजूद इनके पास ये कारपोरेशन छोड़ के पूरे जिले में या पालघर जिले में एक छोटी भी संस्था नहीं है। और इनका पूरा जो फाइनेंशियल सोर्स था ये महापालिका था। अच्छा। इसलिए मैंने बार बार वही मुझे बोलना पड़ रहा है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ये 5 साल में दिए हैं हर आदमी के पास से 5% पैसे इन्होंने लिए हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं किया है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि क्या होता है पैसे लेने के बाद काम की क्वालिटी मेंटेन नहीं होती या काम होता नहीं है, तो ये जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है और ये सबको मालूम है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, मुझे ज्यादा मालूम है क्योंकि मैं कमिश्नर था। तो इसको हटाना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, आप हमें 5 साल
अगर रूल देंगे ना महापालिका का, तो नवी मुंबई का नाम नॉट ओनली इन हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में करके बताएंगे। और आपने देखा, जब मैं कमिश्नर था, हमारी पूरी टीम थी, तो हिंदुस्तान में जितने भी अवार्ड थे सब अवार्ड हमने पाए, तो उससे भी बेटर काम हम बताएंगे। आप जो डेवलपमेंट की बात आपने की कि सारा डेवलपमेंट उस दौरान हुआ, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे कहते हैं लोग कि नवी मुंबई के शिल्पकार हैं, और आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट आपके दौरान हुआ, तो क्या वाकई उन्होंने कुछ काम नहीं किया, गणेश नाई के नेतृत्व में कुछ काम नहीं हुआ? किया ना, मैंने आपको अभी बताया ना, वो जो कलेक्शन का काम है ना 5% का, वो बहुत अच्छे तरीके से किया उन्होंने। अच्छा, वो काम एकदम रिग्रसली, पायसली, रिलीजियसली किया, उतना ही काम किया। इन लोगों ने किसी बड़े काम पे एक दिन भी जाके उस काम की तैयारी, उनके प्रॉब्लम, उनको गाइडेंस नहीं किया। आप देखिए, ये लोग कभी मोरबे भी नहीं गए होंगे, आप लोग ये कभी पाइपलाइन पे नहीं गए होंगे, ये लोग कभी एसटीपी पे नहीं गए होंगे, स्कूल में नहीं गए होंगे, इनका एक ही काम है। दूसरे ने जो काम किया, तो कैंची मेरे हाथ में दे दो, उद्घाटन मैं करूंगा, फोटा मेरा आएगा, मेरा नहीं तो मेरे बेटे का आएगा, उस बेटे का नहीं तो दूसरे बेटे का आएगा, दूसरे बेटे का नहीं आया तो भतीजे का आएगा। इसके सिवा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं, शिल्पकार वगैरह कुछ भी नहीं है। ये मैं और मेरी जो टीम थी और बाकी जो अफसर थे इसके पहले या बाद में, उन्होंने ये काम किया हुआ। सर, चुनाव में जो शिवसेना है उसका एजेंडा, खासकर महाआघाड़ी का एजेंडा क्या होगा? महाआघाड़ी का एजेंडा, एक तो ये भ्रष्टाचार जो है इनकी चंगुल से और एक घराने के हाथ से, इस करप्शन से ये महापालिका को मुक्त करो, ये एक एजेंडा। दूसरा, नवी मुंबई के जो बच्चे प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, हम लोग बोलते हैं लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम इन लोगों की करप्शन के कारण एड्रेस नहीं हो रहे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने है कि इस शहर का रीडेवलपमेंट का जो काम है, वो काम होना बहुत जरूरी है, उसकी शुरुआत हमने अभी की है। इसके पहले जो FSI या जो GR निकलते थे वो कागज पे रहे, अभी हमने रीडेवलपमेंट के लिए 4.8 to 5.3 इतना FSI दिया, तो उसका फायदा लेके पूरे शहर में 3-4 लाख लोग जो ऐसे डिलेपिलेटेड बिल्डिंग में रहते हैं, उनकी रीडेवलपमेंट ही हमारी प्रायोरिटी है। आप शहर में रहते, आपको पता है कि शहर में पार्किंग का प्रॉब्लम बहुत ही मेजर है, बहुत मेजर प्रॉब्लम कुछ एरिया में हो रहा, तो उसको एड्रेस करना, इसलिए हमने हमारे मिनिस्टर साहब से बात किया, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब से, और मल्टी स्टोरीड पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग, पब्लिक पार्किंग, इसके लिए हमारी प्रायोरिटी रहेगी, ये हमारी दूसरी प्रायोरिटी है। तीसरी प्रायोरिटी, जो अंबेडकर भवन अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। और एक बड़ा काम, आपको पता होगा कि कोपर खरने, गंचोली और एरिया में जो कंडोमोनियम में लोग रहते हैं, वो बहुत बेचारे गरीब लोग हैं, और वो अपने पैसे से सुविधा नहीं दे सकते, वो रास्ता हो, लाइट हो, सीवेज हो, पानी। तो मैंने कमिश्नर साहब से लेटर भी दिया, बात भी की, मीटिंग भी की है, तो आने वाले समय में बिफोर इलेक्शन ये कंडोमोनियम का परमिशन गवर्नमेंट के पास से निकाल के लेके ये कंडोमोनियम का काम हम लोग चालू करेंगे। और एक बड़ा काम हमको करना है कि गांव में जो घर बने हैं, गर्जेपोटी जो घरे बने, उसके लिए जो 4 FSI दिया, तो हमने मिनिस्टर साहब को बताया, MD सिडको को जाके बताया, सब लोगों ने हमने, कि जहाँ घर है, जैसा घर है, या एक्सटेंडेड गार्डन में जो घर है, 4 FSI का इस्तेमाल करके जहाँ के वहाँ रेगुलराइज करो, इधर उधर मत भगाओ उनको, क्लस्टर वस्टर हमको मत समझाओ, जहाँ घर है, जैसा घर है, उसको रेगुलराइज करो, वो करने का हमारा काम है। और गावठान में सीवेज की जो अभी कैपेसिटी कम हुई है, लोग बढ़ गए, कैपेसिटी कम है, तो सीवेज की सिस्टम पूरी गाँव में जो है हमको चेंज करना है। जल वाहतुक जो है, जलवाहक को चालू करना हमारा काम है। और हमारे खासदार साहब, आपको पता है कि रेलवे स्टेशन जितने भी हैं, पूरे रेलवे स्टेशन को सभी सुविधा देना, एस्केलेटर देना, लिफ्ट देना, स्वच्छता रखना, लोगों को कैंटीन अच्छा देना, ये काम हमने हाथ में लिया और बहुत हद तक वो काम हमने किए। ऐसे बहुत सारे काम है जिसको हम पूरा करना चाहते, वो हमारा एजेंडा होगा। सर, आखिरी 2 सवाल, क्या शिवसेना ने यह तय कर लिया है कि अब नवी मुंबई में BJP नहीं रहेगी या उसकी सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? नहीं, ये जो सोचने का तरीका है ना, क्रूएल तरीका बोलते हैं इसको, दुष्ट तरीका,
ये बीजेपी का रहता, हम लोगों का ऐसे तरीका नहीं रहता। हम जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उसको हम अपोनेंट बोलते हैं, हम उसको एनिमी नहीं बोलते। तो वो जो उनकी गलत सोच है ना, किसी को नहीं, 100% कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र, कांग्रेस मुक्त देश, ये जो गलत तरीका या जो गर्व अहंकार आता ना, वो हम कभी नहीं करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि अपोजिशन भी रहना चाहिए ताकि रूलिंग पार्टी में जो भी लोग हैं उनके ऊपर अंकुश रहता है, तो वो हमारी सोच नहीं है। हाल ही में जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं रामचंद्र ग्रत, उन्होंने कहा था कि जब भी महागाड़ी का कोई नेता आता है मुंबई में या कुछ बोलता है तो गणेश नाइक का नाम लिए बिना भाषण खत्म नहीं होता है, और बिना गणेश नाइक के वो महागाड़ी के नेता चल ही नहीं सकते। क्या प्रतिक्रिया है उसकी? दो वजह है, एक तो रामचंद्र ग्रत हमारे अच्छे मित्र है, समझदार आदमी है, उन्होंने गणेश नाइक पे इसके पहले आप पुराने वीडियो निकालिए जो क्रिटिसिज्म किया, जो टीका की, जो गंदी बातें कही है, मुझे नहीं लगता नवी मुंबई में किसी ने की होंगी। तो ये कहने का उनको अधिकार नहीं, क्योंकि वो बहुत गलत बात गणेश नाइक साहब के बारे में बोलते थे। दूसरा, हम लोग जो बात करते हैं उसकी वजह ये है कि ये हमेशा बताते हैं कि मैं, हमारी जो रूलिंग पार्टी उस समय राष्ट्रवादी थी, कभी शिवसेना थी, कभी बीजेपी है, जी वो पार्टी बदलते रहते हैं, वो गद्दार के शिरोमणि बन गए, अभी सबसे बड़े गद्दार है महाराष्ट्र में, तो मैं उनका सलाहकार हूँ, मैं उनका सलाहकार हूँ। तो ये जो करप्शन हुआ है, ये जो नवी मुंबई के मैंने आपको जो प्रश्न बताए, ये जो पेंडिंग रखे हैं, इसके लिए गणेश नाइक जिम्मेदार है, और जो गलत आदतें कॉरपोरेशन में लगाई है इन्होंने लगाई है, इसलिए उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। उनका नाम लेना बहुत जरूरी है, जिन्होंने गलतियां की वो गलतियां गिनाना हमारा काम है, और ये ऐसे गंदे काम, ऐसा करप्शन महापालिका में फिर से ना हो, ये लोगों को समझाने के लिए हम बार बार उनका नाम लेंगे, बार बार उनका नाम लेंगे। और आपको पता है कि सब लोग इनको मिस्टर 5% के नाम से पहचानते हैं, तो वो लोग क्यों बोलते हैं, हम नहीं बोलते, पूरा शहर बोलता है कि मिस्टर 5%। आप किसी से भी पूछिए ना, तो ये जो गंदा काम हुआ है उसके लिए नाम लेना बहुत जरूरी। रामचंद्र ग्रत आज नहीं बोलते, प्राइवेट में उनको पूछिए वो क्या बोलते हैं, आप देखिए। सर आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा कि भगवा लहराएगा, तो महापौर शिवसेना का बैठेगा? शिवसेना का मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा महाआघाड़ी का महापौर बैठेगा, और जो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट हमारे दैवत है, उनकी जो फोटो इन लोगों ने वहां से निकाली है, और देश के नेता, सबके नेता, जो शरद पवार जी साहब की फोटो इन लोगों ने वहां से निकाली है, वहां जब तक नहीं लगती हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि भगवा भड़केगा और आघाड़ी की सत्ताएं आएंगी। सर कितनी सीटों पर जीत मिलेगी फाइनली? 111 सीट है, और 111 जनरली इलेक्शन में ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने आपको दोनों लोकसभा सीट में एग्जैक्ट आंकड़ा बताया था कि विचारे साहब को कितने वोट आएंगे, 2-3% इधर उधर हुए, तो मैं आपको उसी लाइन पे ये बताता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग हमारे पास आए हैं और आने वाले, एक बीजेपी के ओरिजिनल जो लोग गए उनकी कीमत 0 हो गई है, जो 50-50 साल पार्टी में थे उनकी कीमत 0 हो गई है। बीजेपी के 2 MLA में फ्रिक्शन है, हर जगह बंडखोर, इनका एक या उनका एक रहने वाला है। बीजेपी जो पार्टी अलग तरीके से पहले काम करती थी, आज एक आदमी के एक घराने के चंगुल में फंसी है, इसलिए वो छटपटा रहे, बाकी जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो छटपटा रहे, इस सब का असर होके कम से कम 80 सीटें महागाड़ी को मिलेगी। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, आपने नई मुंबई महानगर पालिका के आने वाले चुनाव को लेकर शिवसेना और महाअघाड़ी की क्या भूमिका होगी, कैसे महापौर बनेगा और क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे उसे आप हैंडल करेंगे, आपस में जो गठबंधन का समन्वय है और बेहतर चुनाव के लिए क्या तैयारियां होगी, उस पर आपने तमाम जवाब दिया, आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत से दोबारा आपसे रूबरू होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।